अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है जी न्यू ईयर का पहला दिन और सोचा सुबह सुबह कुछ नया किया जाए। सो पहले तो तलावत की और उसके बाद जो है अब हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि कुछ नया क्या करना है। ओरी ओरी मेरा बेटा, ओरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, और ये हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पर जी सुबह सुबह नहा कर तैयार हो गई हूँ मैं ऑफिस के लिए और कांटे शांटे पहन लिए आपकी बहन ने, और ये एक्रेलिक नेल्स अपने दिखा रही हूँ मैं जो कि मैंने खुद क्रिएट किए हैं। न्यू ईयर की रेजोल्यूशन क्या है? बेबी पार्क। अच्छा अब मैं जा रही हूँ ऑफिस। ये मेरी बात सुनो, ये कवर करो शाबाश। या ये क्या ये नहीं, खुद को नहीं पता मेरा ऐसे स्टाइल होता है। इंडोर होगी ना फिर ठीक है यार, ना करो यार इतनी मेहमान बनो। शाबाश, ये नीचे रखो, नहीं नीचे रखो ना, ये सर्दी है। जब बाहर मतलब वो होगी, इंडोर होगी ना फिर कर लेना ऊपर। अभी बाहर जा रही है तो ऐसे ऊपर रखो। बड़ी मेहमान आ गई दोस्तों। अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस में, और ऑफिस जाने से पहले मैं चाह रही हूँ कि कुछ क्या सनलाइट पड़ रही है यार, बहुत ही मज़े की, कुछ मीठा मीठा लिया जाए ताकि मैं अपने जितने भी गार्ड्स हैं, जितने भी ऑफिस के वर्कर्स हैं, उनको दे सकूँ। लें जी क्लच पकड़ लेते हैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। और क्या लें, और क्या लें, और क्या लें, और क्या लें, ये मैं ये ले लेती हूँ। दोस्तों केक शेक मैंने ले लिया है, और अब इंशाल्लाह हम अपने जितने भी ऑफिस के गार्ड्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको इंशाल्लाह केक शेक खिला देंगे। न्यू ईयर हम अपना ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। हम इसको ओपन करते हैं जी, और ये पहला केक जो है हम खिलाते हैं अपने कैप्टन साहब को। कैप्टन साहब हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे, और बस आप मुझे भी दुआएं दे दें। आई विश यू, मैं आपके लिए प्रे फॉर यू, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। आप बहुत अच्छे हैं, मैंने आपको एक दफ़ा बोला था कि आप इखलाकन और आप अपने अदारे में बड़ा नाम रखते हैं। थैंक यू सो मच सर। ये देखने की बात नहीं, सुनने की नहीं, क्या करे आपकी जो लाइफ विश है वो भी पूरा करे। आमीन सो आमीन। अब जा रहे हैं हम ऑफिस में, मेरे प्यारे प्यारे से वर्कर्स हैं, उन तमाम लोगों को हम विश करेंगे न्यू ईयर। तो मेरे साथ बने रहिए। तकरीबन पहुंच चुके हैं, तैयार होने में टाइम बहुत कम रह गया है क्योंकि शूट है मेरा 3 बजे। तो यहाँ पर अब हम जल्दी जल्दी देंगे। को दुआ ही दे दे। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नहीं नहीं ये मेरा बैग रखो, इसमें आपकी कोई चीज नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये बहुत अच्छे अच्छे हमारे गार्ड्स हैं, और इनको हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह की ज़्यादा आपको आमीन सुब आमीन। कम किया करें क्या, मजाक हस्बैंड के साथ तो बहुत मजाक। काका जी कुछ कह दियो। ओके जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ऑफिस आ गई हूँ, लेकिन जो देने की खुशी है ना लोगों को कुछ ना कुछ, वो बहुत आला होती है। सो अब बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, नाउ इट्स टाइम टू do some work aapke liye। thank you so much, happy new year, love you more। main kuch meetha lekar aayi hu, bahut shukriya, happy new year, thank you, aur aapke liye bhi anchor, oh thank happy you, happy new year। socha is new year mein kya karna hai? इस न्यू ईयर में कुछ ऐसा करेंगे जो आधी जिंदगी गुजर गई है, उस दूसरी आधी जिंदगी को शुरू करना है। अच्छा, बड़े शादी करनी है, बड़े फैसले। मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को जो कि बहुत ही प्यारे से, उनको एक मीठा सा तोहफा देना चाहती हूँ न्यू ईयर। कुछ खाओगे नहीं? गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और ये खूबसूरत
हैप्पी न्यू ईयर। ये बस इसके मैं गोडे ही दिखाऊंगी। यहाँ पे दोस्तों मैं शूट के लिए रेडी हो रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि बेस वेस सेट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे लिपस्टिक लगाई जा रही है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो न्यू ईयर है वो काम करते करते और एक्टिव होकर ही गुजरे। सो यहाँ पर जी हम रेडी हो गए हैं और बहुत अच्छा रेडी हुए हैं। मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा हेयर डू किया है मेरा और यहाँ पर ऑल सेट हुआ जी। हम रेडी हो गए हैं और बहुत प्यारा सा मेकअप आर्टिस्ट ने रेडी किया है, मतलब बाल बनाए हैं। सो ये है खाना, ठूसने लगे। जबरदस्त किस्म के अचारी आलू ठपने लगे। टोकन ऑफ लव, हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। हैप्पी न्यू ईयर, इट्स अ टोकन ऑफ लव। हैप्पी न्यू ईयर। नहीं मेरी तरफ से थैंक यू और आपको भी धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम। ये भी काम कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना। मैंने जूस ले लिया। हैप्पी न्यू ईयर। सब लोगों को टोकन ऑफ लव देने के बाद यहाँ पर जी हमारा शूट हो रहा है जिलानी पार्क में और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। मेरा न्यू ईयर तो बहुत अच्छा गुजरा है क्योंकि सुबह वो तमाम चीज़ें की और अब जो है हम यहाँ पे कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ जी प्रोग्राम का शूट हो चुका है और जैसे ही शूट ख़त्म हुआ है बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल्फ़ी लेने आ गए थे और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि उन्होंने कम टाइम में बहुत ज़्यादा इज्जत दे दी। थैंक्स टू अल्लाह पाक और माय पेरेंट्स, थैंक यू। और मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि जिसकी मस्ती ज़िंदा है उसकी हस्ती ज़िंदा है, वरना वो आदमी ज़बरदस्ती ज़िंदा है। तो हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए और ये नहीं जज करना चाहिए कि इंसान कितना खुश है, मैं भी शायद हम अंदर से दुखी हूँ। यहाँ पर जी मेरे नए साल का आगाज़ तो बहुत अच्छा हुआ, कुछ अच्छा करके, दूसरों को खुश करके, दूसरों से दुआएं लेके और दूसरों को दुआएं देके मेरा ये नया साल का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। ज़िंदगी का मकसद मुझे ऐसा लगता है कि यही है, दूसरों की दुआएं लेना, दूसरों को खुश करना और दूसरों की खुशी में खुश होना। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और हमेशा नेगेटिविटी को अपने से दूर रखें। और जो इंसान आपको लगे ना कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहा है या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इरिटेशन पैदा कर रहा है तो उसको उसके हाल में खुश रहने दें। यहाँ पर जी ब्लॉग का दी एंड कुछ इन अल्फाज में करना चाहूँगी। नए साल में सबको खुशियाँ खुदा दे, अजायम नए और नया हौसला दे। गया साल जो दाग दे कर गया है, दुआ है नया साल उनको मिटा दे। सो डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माई यूट्यूब चैनल कुरतुल एंजिया। हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह हाफिज़।